एक बार एक समाचार पत्र में एक खबर छपी कि बड़े भाई ने छोटे भाई को उसके जन्मदिवस पर एक कार तोहफे में दी। अब बहुत लोगों ने इस खबर को पढ़ा और अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। जो पहला व्यक्ति था जिसने इस खबर को पढ़ा, उसने कहा कि काश मैं वो छोटा भाई तो आज मेरे पास में भी एक कार होती। जब दूसरे व्यक्ति ने उस खबर को पढ़ा तो उसने कहा कि काश मेरा बड़ा भाई इस खबर को पढ़े और मुझे वो मेरे जन्मदिवस पे एक कार का तोहफा दे। इसी तरीके से जब तीसरे व्यक्ति ने इसी खबर को पढ़ा तो उसने कहा कि काश मैं वो बड़ा भाई होता जो कि अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिवस पर एक कार तोहफे में दे सकता। दोस्तों, हम इस दुनिया को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और जो हमारा इसके लिए जो रिएक्शन होता है, हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, वो भी अलग अलग तरीके से होती है। इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं। अब जैसे अगर आप देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी कमियों के लिए किस्मत को जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ, मेरे माँ बाप बहुत संपन्न नहीं थे, या मैं अच्छे देश में पैदा नहीं हुआ, मेरे देश के अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं और इस वजह से मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी कमियों के लिए दूसरों पे जिम्मेदारी डालते हैं। जैसे वो कहेंगे मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे भाई ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे समाज ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे देश ने मेरे लिए ये नहीं किया, और इस तरीके से वो हमेशा अपनी कमियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं और दूसरों से अपेक्षाएँ करते हैं लेकिन खुद कुछ किसी को देने की नीयत नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, तीसरे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हमेशा देने की नीयत रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें कार तोहफे में दे दे, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो कि दूसरों को कार तोहफे में दे सकूँ, अपने छोटे भाई को कार तोहफे में दे सकूँ। दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम इस मानसिकता में रहेंगे कि हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी कमियों के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार हैं या किस्मत जिम्मेदार है, तब तक जो है हम अपनी समस्याओं को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारा जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि इस समाज में अगर कोई कमियां हैं तो हम उसको सॉल्व करें। हमें वो व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरों को कुछ दे, बजाय इसके कि हम वो व्यक्ति हों जो हमेशा दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। इस दुनिया में बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसकी नीयत होती है देने की, ना कि लेने की। दोस्तों, जिसकी नीयत देने की होती है उसकी हमेशा बढ़ोतरी होती है, उन्नति होती है। ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत। जब तक हम दूसरों को देने की नीयत नहीं रखेंगे तब तक हम इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस दुनिया में अपने को कुछ बना नहीं पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कमियों के लिए ना तो किस्मत को ज़िम्मेदार ठहराएं और ना ही दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराएं, बल्कि अपने को इस लायक बनाएं, इस काबिल बनाएं कि हम अपनी समस्याओं का खुद समाधान पा सकें और दूसरे को कुछ दे सकें, बजाय इसके कि हमेशा लोगों से कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद करते रहें। और जिस दिन आपकी नीयत अच्छी हो जाएगी उस दिन आप देखेंगे कि ईश्वर भी आपको मदद करेगा अपना मकसद पाने के लिए। और ये हमारे यहाँ कहा गया है, जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए दोस्तों, दूसरों को देने की नीयत रखें और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है सफलता के शिखर पे पहुँचते हैं।